लीलन BS4 का गाड़ी है। गाड़ी में कंप्लेन यही है, ड्राइवर साहब का कहना है कि चढ़ाई पे EDC वाला लाइट और MIL वाला लाइट जल जाता है। तभी हम गाड़ी सबसे पहले स्टार्ट करके चेक करते हैं, न्यूट्रल हो गया, गाड़ी स्टार्ट हो गया, 5 पे RPM चला गया। ऐसा में कोई लाइट नहीं, ओनली फॉर हैंड ब्रेक का है। रेस करके देखते हैं फुल रेस हो रहा कि नहीं। तीस तक तो RPM जा रहा है, ठीक है, 30 पे नहीं 28 पे जा रहा है। देखिए ये भी चढ़ाई पे कभी कभी बोलता है पिकअप तोड़ता है गाड़ी, तो इसको किलोमीटर वाला जो इसका सेंसर है खोल करके देखेंगे, उसका अंदर क्या बोलते हैं मैग्नेट जिससे जो चलता है ना आपका गियर बक्से से, उसमें चिपक जाता है। जब चिपक जाता है तो ये सब समस्या होता है, तो खोल करके चेक करेंगे। बस छोटी सी जानकारी है, ये कैप्टन वाला केबिन है, तो इसका ये इसका गियर बक्सा है। नीचे चलते हैं और इसका जो खुलता है 2427 से, 2427 से इसका किलोमीटर वाला सेंसर खोलेंगे। ये रिवर्स गियर वाला है और ये किलोमीटर वाला। इसको खोलने के लिए ये पिन बाहर निकाल के इसे घुमा के सबसे पहले यहाँ देखेंगे, ठीक। लाला इसका पाना या चाबी कुछ भी ला, देखते हैं। कपलर तो सही है, खोलो देखो तो अंदर इसका मैग्नेट है का, मैग्नेट आ गया है क्या गियर बक्से से, देखा ला दे उधर पाना तुम। खुल गया, इसको खोल करके बस अंदर देखना है कि इसका मैग्नेट वगैरह आ गया है क्या, पकड़ लेता है। जब पकड़ता है तो चढ़ाई में पिकअप प्रॉब्लम करता है गाड़ी, ठीक है, लाइट आएगा जाएगा, फिर चाबी से जब रिसेट मार दीजिएगा तो चल जाएगा। हो तो गया ही, कचड़ा आ गया इसमें, दिख रहा है ना, देखिए कितना कचड़ा आ गया इसमें। ये क्लीन करेंगे फिर ड्राइवर साहब को पूछेंगे कि गाड़ी आपका कैसा चल रहा है। चलो ये ख़राब भी होता है जल्दी, जैसे गियर बक्से का ऑयल वगैरह चेंज नहीं कराते तब पर भी ये ख़राब हो जाता है, तो इसको इसमें बहुत सारा आ गया है, इसमें मैग्नेट ढंग से नहीं बनाता होगा और किलोमीटर भी इनका प्रॉपर तरीके से नहीं चलता होगा। चल इसको साफ कर, देखिए क्लीन हो गया, ये क्लीन हो गया, अब इसको लगा देंगे और फिर 27 नंबर से टाइट करेंगे और फिर पूछेंगे इनको गाड़ी आएगा उधर से खाली करके, उसके बाद अभी तो गाड़ी लोड है। अगर फिर भी समस्या नहीं जाएगा तब ये किलोमीटर सेंसर है चेंज कर देंगे।